बहुत ही खूबसूरत गांव है वैसे तो, मजेदार लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कला यात्रा। मेरा नाम है ब्रजेश और अभी हमारे इस ट्रैक का चौथा दिन है आज। और आज हमारा सुबह सुबह का मॉर्निंग देखो कितना गजब ही हुआ है। सामने ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है हम एकदम बादलों के कितने करीब होंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो रहा है और हेमू को दिखाता हूँ। हेमू सुबह सुबह ब्रश कर रही है, यहाँ पे ब्रश देखो ये और देखो कहाँ गया तेरा लोटा। सुबह सुबह ऐसे लोटा लेके बैठी पड़ी है, ब्रश कर रही है। और यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे पानी पहाड़ों से रीस के आ रहा है। हम इसी का यूज़ कर रहे हैं अभी, पीने खाने और जो भी ब्रश मुंह धोना सब कुछ इसी से हम कर रहे हैं। और सामने का नज़ारा दिखाता हूँ आपको कितना गजब का ही है। ये देखो गाइस, आज हम मिलन तक पहुँच जाएंगे और मज़ा ही आने वाला है। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। कल का दिन हमारा बहुत ही एडवेंचरस रहा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देखें उस वीडियो को, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और लगातार तीन दिन से हम चल रहे हैं, आज चौथा दिन चलेंगे। और डेली हम 10 किलोमीटर के आसपास चलते हैं, 10-11। कल हमने 12 के आसपास चले थे। तो ठीक है, अभी हम थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर हम निकलेंगे यहाँ से। ठीक बाय। ये एक्सपीरियंस बहुत ही अलग हो रहा है हमारा, कि मतलब हम डेली चलते हैं सुबह और फिर हम रुकते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर निकल जाते हैं और फिर पूरे दिन हम चलते रहते हैं। और अभी आज हम लोग जहाँ पे रुके थे, जब हम लोग आए थे तो हमें ऐसा लगा पता नहीं कैसे रहेंगे, क्योंकि बहुत हवा चल रही थी और बहुत जगह से वो घर खुला भी था। और दोनों लोग बहुत बूढ़े थे तो हमें लगा पता नहीं खाने में क्या मिलेगा। और अभी तक का सबसे डिफरेंट एक्सपीरियंस मतलब हाँ, बहुत अच्छा खाना मिला, स्टार्टर मिला, दूध मिला। और हमारे यहाँ की एक बहुत अच्छा मतलब वो मानते हैं चाय, नमकीन चाय होती है, जा वो मिला। खाना भी बढ़िया था, नाश्ता भी बढ़िया हुआ, सब कुछ बढ़िया ही था। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे यहाँ ऐसा कुछ मिलेगा, लेकिन बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस हो गया हमारा। ये खाओ वो खाओ, ये पियो। काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पे। आगे तो देखते हैं क्या क्या है। आगे भी अच्छा ही होगा। हाँ अच्छा ही होगा, ऐसे तो पूरा ही मजेदार है। लाइफ टाइम एक मेमोरी हम बना रहे हैं। सही बात है। तो गाइस वहाँ नीचे देखो ऐसे लकड़ी का पुल दिख रहा है। और यहाँ से जो वो पीछे गांव था ना, जो अम्मा लोग अभी मिले थे उनका गांव उधर है, तो वो लोग यहाँ से उस पार जाते हैं, नदी को पार करते हैं, वो दिख रहा है। अभी तो रास्ता थोड़ा ऐसे फ्लैट फ्लैट है तो सही लग रहा है, अब आगे जाके देखते हैं कैसा रहता है। आत्माओं की स्मृति, यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ ऐसी दुर्घटना हुई होगी जिसमें कुछ लोग ऐसे यहाँ पे मारे गए होंगे, उनकी मतलब 14 फरवरी को कुछ हुआ था। उनकी आत्मा को शांति के लिए यहाँ पे उनके नाम से एक स्मारक बना दिया है, छोटा सा पत्थरों को इकट्ठा करके। और यहाँ पे सभी लोग ऐसे छोटे छोटे पत्थर चढ़ाते हैं, बाकी तो यहाँ है ही क्या चढ़ाने के लिए, देखते हैं। मैं भी चढ़ाऊँगा, ऊपर चढ़ा दो ऊपर। यहाँ से पहाड़ इतने खूबसूरत दिख रहे हैं, ऐसे धूप पड़ रही है उनपे, ओहो एकदम हम समझ लो स्वर्ग में घूम रहे हैं, जन्नत में। अभी हम पहुंचने वाले हैं बुरकू। हमारे सामने बुरकू गांव दिख रहा है, बुरकू है ना ये, बुरकू में आपका स्वागत है। तो हम बुरकू पहुंच गए हैं और यहाँ से पहाड़ी के उस पार गांव दिख रहा है, तो अभी मैं ऊपर जाके दिखाऊंगा आपको। अगर आपको इसमें दिख पा रहा हो तो वो सामने जो पूरे विलेज दिख रहे हैं ना, वो है बुरकू विलेज। और अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे, वहाँ गांव तक तो नहीं जाएंगे, बट यहाँ से हम अब सीधे मिलम को निकलेंगे। और यहाँ से आपको दिखाता हूँ नज़ारा, ये सामने का व्यू देखो भाई साहब, इतना अल्टीमेट लग रहा है ना। कैमरे में तो उतना अच्छा नहीं दिख पा रहा होगा, बट हमें जो रियल में फील हो रहा है ना,
वो बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम थोड़ा रुके थे ऐसे रेस्ट वेस्ट लिया और मतलब अब जाके ना थोड़ा ऐसे मसल्स में पैरों मसल्स में दर्द हो रहे हैं, मेरे एड़ियों में दर्द फील हो रहा है। आज चौथा दिन है हमारा सफ़र का, अभी तक उतना ज़्यादा नहीं हुआ था लेकिन आज थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है और आज हम पहुँच जाएंगे वैसे मिलन। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं बिलजू गाँव के पास, वहाँ थोड़ी दूर रह गया है और अभी हमारे सामने एक नदी दिख रही है। इस नदी का नाम है बोलागार, बोलागार ना, और इसको पागल नदी के नाम से भी जानते हैं। बिलजू के पागल नदी ऐसे खतरनाक ही होती है, बहुत भयानक रूप लेती है ये। और अभी हम इसको क्रॉस करने वाले हैं। ये रही हमारे सामने, ये है वो नदी और ऊपर यहाँ से ऊपर को है वो गांव। तो हम अभी गांव में जाएंगे और आपको दिखाते हैं कैसा होता है यहाँ का गाँव। पहुंच गए हैं बिलजू गांव में और यहां से मेलम जो है वो 3 किलोमीटर दिखा रहा है। सो गाइस ये देखो, ये है बिलजू गांव और यहां पे अभी कोई नहीं है, पूरा गांव खाली है। और यहां पे देखो घर कैसे, दरवाजे खिड़कियां कितने पुराने टाइम पे ऐसे कार्विंग किए हुए बने हुए हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पाथर के घर बोलते हैं इसको। और यहाँ देखो नीचे पीले 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 पूरे फूल खिले हुए हैं। ओह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार, काश यहाँ पे कुछ लोग होते। ओ देखो वहाँ देखो पूरा घर घर है, नीचे भी है पूरा, उधर देखो पूरा टूट चुका है विलेज पूरा। अभी यहाँ पे कोई है नहीं इसलिए हम यहाँ ज़्यादा रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। और हमारा मैगी का प्लान तो गड़बड़ हो गया, हमने सोचा क्या पता कोई यहाँ होगा तो मैगी खाएंगे। और अब हम यहाँ से आगे को जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पीछे आप देखो ये छोटा सा माता का मंदिर है, नंदा माता का। ये पूरे ख़त्म हो गए हैं घर सब। कितना सुंदर गांव होगा ये अपने टाइम पे ना, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। नदी के उस पार जो है हिस्सा वो पाचू का है और इस पार वाला जो गाँव दिख रहा है वो गन्ना। क्या बात है, हम पाचू कल जाएंगे, आज हम सीधे मिलम जा रहे हैं। चलो ये छोटे छोटे दरवाजे हैं यहाँ पे देखो, जो ये खेतों में दिख रहे हैं ना ये छोटे छोटे पौधे, ये हैं धुंगार के पौधे और ये मसाले में वैसे यूज़ होते हैं ना हमारे यहाँ पहाड़ों में। हाँ, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है इसका, खुशबू स्मेल इतनी अच्छी आती है ना धुंगार की। हम तो खैर यूज़ कर चुके हैं लेकिन मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इसे पौधे। और वहाँ देखो उधर साइड के पौधे जो दिख रहे हैं वो काला जीरा जो होता है, हमारे यहाँ शाहजीरा बोलते हैं उसको, उसके पौधे हैं। तो अभी तो फिलहाल हम यहाँ से अब इस गांव से नीचे आगे को जा रहे हैं और इस पूरे गांव में ऐसे भयंकर मधुमक्खियाँ उड़ने में हैं, ऐसे ख़तरनाक ही मधुमक्खियाँ बड़ी बड़ी सी उड़ गई। घर इतने सुंदर लग रहे हैं ना, आप दरवाजा कितना खूबसूरत है, वो दरवाज़ा वहाँ खिला हुआ है, कितना बढ़िया कार्विंग डिज़ाइन बने हुए हैं। और बहुत सारे दरवाजे में सबने पत्थर भर दिए हैं कि कोई अंदर जा ना सके। ये देखो दरवाज़ा कितना सुंदर कार्विंग है, लकड़ी का बना हुआ है और अंदर तो खैर काफ़ी टूटा फूटा दिख रहा है। क्या नाम बताया इसका? छिपी, इसका नाम छिपी है, गंध्यानी बोलते हैं। और इसका यूज़ खांसी वासी के टाइम पे करते हैं, इससे खांसी वगैरह ठीक हो जाते हैं। दाल में छौंक लगाते, वाह। चलो ये सारे ऐसे पहाड़ी जड़ी बूटियाँ हुई। हाँ फिर से हमारे पीछे आप देखो एक रिवर क्रॉसिंग, फिर से आ गए हम एक रिवर क्रॉस करने वाले हैं।
तो गाइस यहाँ पे देखो ये नदी आ रही है ना, इस नदी का नाम है कोलगांग। और यहाँ का ऐसे ये पहाड़ देखो कैसा दिख रहा है, एकदम अलग ही दिख रहा है, बह गया है सब कुछ। और हम पहुँचने वाले हैं मिल्लम गांव, बस थोड़ा ही दूर और रह गया है। और देखो कितने ब्रिज टूट के गिर चुके हैं, और ये तीसरा ब्रिज लगा हुआ है यहाँ पे, और हम पार करने वाले हैं ये ब्रिज। यहाँ से जो ये ऊपर चोटी दिख रही ना, भाई बता रहे हैं कि यहाँ से ITBP का लास्ट बॉर्डर है, इसके बाद चाइना आ जाता है। मतलब चाइना क्या तिब्बत आता होगा, अब तो तिब्बत चाइना के कब्जे में है, बाकी वो सामने मिल्लम गांव है। तो गाइस यहाँ पे देखो डंपर चल रहा है, ओ भाई साहब। हम फाइनली पहुँच गए मिल्लम विलेज, और यहाँ पे हम ITBP के कैंप पे रुके, वहाँ पे हमने वहाँ पे एंट्री वगैरह करा दी, और फिर उसके बाद वहाँ से हमने वाईफाई लेके घर पे कॉल किया। वो फीलिंग ऐसा था ना, मतलब 4-5 दिन के बाद जो बात हुई ना घर वालों से, वीडियो कॉल, वो भी वीडियो कॉल पे बात किया, तो एकदम अलग ही फील हो रहा था 4-5 दिन के बाद ऐसे बात करके नेटवर्क पे हम आए, बड़ा अलग ही लगा। और अभी हम विलेज पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे देखते हैं जैसा भी होता है, खाने वाने का कुछ करेंगे, उसके बाद आपको मिल्लम विलेज दिखाएंगे। आप मेरे पीछे देखो, ये सारा विलेज का ही एरिया है, इसमें कुछ घर ठीक हैं, कुछ टूट चुके हैं काफ़ी, सब ऐसे बहुत सारे घर ऐसे टूट गए हैं सब, ये देखो। गाइस ये महेंद्र भाई के ताऊ जी का घर है, देखो यहाँ पे ये जो सामने आपके दिख रहा है ना वाइट वाइट सा, ये इनका घर है। और ये अभी शायद यहाँ पे है नहीं, अभी है नहीं यहाँ पे, बाकी हम अभी आगे जा रहे हैं हेमू के चाची के पापा के घर, मतलब हेमू के नाना जी के घर। पेड़ का सींग उनके छत पे दिख रहा है, देखो ये गांव का चबूतरा है, जब यहाँ पे लोग रहा करते थे ना ज़्यादातर टाइम पे, यहाँ पे लोग बैठते थे और बातें बातें करते थे, ये एक अम्मा। और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यार यहाँ पे गांव में ऐसे, और अभी इस टाइम पे ऐसे धूप से रोशनी इतनी गजब की आ रही है ना, मस्त लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत गाँव है वैसे तो, मज़ेदार लग रहा है। ज़्यादातर वैसे घर सारे ख़राब हो चुके हैं, कुछ ही घर बचे हुए हैं और कुछ ही लोग यहाँ पे रहते हैं अब, ये देखो। यहाँ पे इस मकान में ना आपको एक दिखाता हूँ, बहुत बड़ा सा पत्थर है, और ये देखो काफ़ी बड़ा सा है, उसमें साइज़ भी लिखा हुआ है उसका। और ये पत्थर बताते हैं कि एक आदमी ने अकेले इस पत्थर को यहाँ पे उठा के रखा था, जो कि बहुत फेमस है, जो भी आते हैं वहाँ पे बताते हैं। अच्छा ये जेल घर है, तो यहाँ पे एक जेल घर भी था जो कि अभी टूट चुका है, अच्छा जो चोरी वोरी करते पकड़े जाते थे उसे यहाँ बंद किया जाता था, वाह। और जो कौन सा बता रहे, बहू को बुलाते थे कहाँ से ऊपर, तो वहाँ ऊपर ऐसे दिख रहा है ना ये वाला हिस्सा, वहाँ पे एक आदमी मतलब परमानेंट वहाँ बैठा ही रहता था ये देखने के लिए कोई यहाँ पे इधर उधर खो ना जाए, क्यों ऐसा ही है ना। ये गांव इतना बड़ा था कि लोग यहाँ पे ऐसे जो नए नए शादीशुदा होके आते थे लड़कियाँ या ऐसे, वो एक गांव में ऐसे इधर उधर मतलब ऐसे भटक जाते थे, तो वो बंदा वहाँ से आवाज़ दे के बताता था कि ये ऐसे भटक गए हैं, और लोग आके ले जाते थे फिर अपने घर वालों को। खतरनाक ही है यहाँ पे आके, बड़ा अलग सा ही एक्सपीरियंस हो रहा है, स्टोरी भी सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और अभी हम मिल्लम गांव के भी गलियों में घूम रहे हैं, क्या बात है। अरे देख छोटे छोटे डॉगी ऐसे पिल्ले दिख रहे हैं, उसकी मम्मी ऐसे तभी भौंक रही है, वहाँ पे ऐसे 2-3 ऐसे बच्चे दिख रहे हैं भौंक रही है, वो एकदम अच्छे बच्चे है ऐसे। और
वो एकदम एक्टिव हो गई, एकदम अलर्ट मोड में आ गई, वो काट लेगी ऐसे उसके पास जाएंगे तो। गांव का आखिरी घर है वो हेमू के नाना जी का घर है, बताओ हम उधर जा रहे हैं। ओहो जर्मन शेफर्ड, एक जर्मन शेफर्ड दिख रहा है हेमू। अरे नानी लोग के पास भी जर्मन शेफर्ड था। हाँ यही तो है, शायद यही होगा। हमारे ख्याल से तो यही घर है जहाँ हम आज रुकने वाले हैं। और खेत देखो कितना सुंदर खेत बना रखा है, और ये डॉगी यहाँ, इनके पास जर्मन शेफर्ड है ये, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। सो ये है घर, यहाँ पे वो रहते हैं, शायद अकेले ही रहते हैं। बहुत ही बढ़िया एरिया है यार यहाँ पे, एकदम काफी खेत वेत है और ऐसे सब कुछ। नमस्कार, आप किशन सिंह मतोलिया हुए? हाँ हाँ। ललिता पंचपाल आपकी ना? हाँ हाँ। मेरी चाची है वो। अच्छा अच्छा। हाँ तो उन्होंने बताया था आप यहाँ पे हैं। हम लोग जोहार वगैरह ये सब देखने आए ना। अच्छा अच्छा। तो आपके यहाँ पे ये है वो बुबू जिनके पास हम आए मिलने के लिए, क्या बात है। मेरे नाना जी हुए, चाची हेमू के नाना जी। चलो कहाँ जाना हुआ? हम तो अभी मुंशारी से आ रहे हैं। देखो ये कैसे सूंघ रहा है। जम्मू कश्मीर। कौन? मैं और ये मेरे हस्बैंड है ना। अच्छा ये सूंघ रहा है। अच्छा अच्छा, तो जम्मू कश्मीर तो ऐसी हाइट में है। ये देखो कैसे हाथ चाट रही मेरी। अरे अरे सुशी सुशी करता है वो। सुशी सुशी है मिठू। मिठू सलोनी। तो ये बहुत ही प्यारी है, देखो अभी तक तो हमें भौंक रही थी लेकिन अब एकदम प्यार से हमारे साथ है। एसटीएफ क्या होता है वो? से पुलिस फोर्स ही होती है कुछ। हाँ जो भी है। तो वो आए तो अब उनके लिए खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। अब लकड़ी है नहीं। अच्छा अच्छा। क्या करते हैं अब, यहाँ तिब्बत व्यापार तो बंद हो गया है, अब क्या करना है? यहाँ आके नीचे ही बैठते हैं आप। ऐसा करके लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, जिसका छोटा छोटा मकान है 200 रुपए भी पकड़ लिया। मकान सिर्फ लकड़ी लकड़ी बिका, लकड़ी चाहिए था उनको। अच्छा। ठेका था लकड़ी का, ये डाला सब बल, यूं 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 हिला दिया, लकड़ी वकड़ी सब निकाल दिए। वो पाथर पाथर दीवार वीवार वैसी है, देखा नहीं आपने? इसीलिए ऐसा हुआ। जब ये लकड़ी सब वहाँ फिर वो आर्मी वालों को दिया था, जो उन लोगों ने उसमें खाना बनाया। अरे मिट्टी तेल नहीं था। आजकल तो कितने 500 लीटर 500 ड्रम है। हाँ। मिट्टी तेल अब ना, इंद्री मिट्टी तेल नहीं था। तभी लकड़ी ये मकान खत्म हुई, नहीं तो ये जैसे ये मकान है इन्होंने नहीं बेचा। मेरे दामाद जी का है ये, दिग्विजय राव। अच्छा राय बहादुर। अच्छा अच्छा। हाँ तभी वो कह रहे थे ना, इनका तो मर्तोलिया में हुआ लेकिन ये। हाँ अच्छा अच्छा ठीक, ये राय बहादुर जी का मकान है। अच्छा तो इसी प्रकार से मकान जो है जिन्होंने नहीं बेचा उनका सुरक्षित है, देखा नहीं आपने? तो अब जिसने बेच दिया उसको वापस नहीं मिल सकता है क्या अपना मकान? मकान जमीन, मकान थोड़ी बेचा ठहरा, फिर लकड़ी लकड़ी। अच्छा अच्छा, जमीन हुआ लकड़ी बेच। अच्छा एक तरह से लकड़ी बेच रहा। अच्छा लकड़ी, लेकिन घर तो टूट गया। हाँ लकड़ी वहाँ तोड़ दिया ना। हाँ। फिर उन्होंने फाड़ा उसको, फिर खाना बनाया उसमें। अच्छा इसी प्रकार से मिलम का तो ऐसा खत्म कर दिया। हाँ। फिर उसके बाद आया बिजू का, बिजू में भी ऐसे कर दिया। हाँ। वहाँ से भी लकड़ी खरीद के ले आया। फिर हमारा कोई दुर्गा सिंह मटोलिया था। हाँ। दुर्गा सिंह मटोलिया ने लिखा एप्लीकेशन वहाँ डीएम को कि हमारा जोहार वैली खत्म हो रहा है, कृपया लकड़ी ने बिता जाए। अच्छा, मकान नहीं टूटा जाए। हाँ, हाँ। ऐसा करके तब पाबंदी हुआ, तब देखिए मकान सुरक्षित रहे। ये तो सब खत्म होता वहाँ तक, फिर तो सारा ही खत्म हो जाता। हाँ हाँ समझ गए समझ गए। आज हम इधर ही रहने वाले हैं नाना जी के यहाँ पे, और फिर बाकी हम अभी थोड़ा मैगी वैगी बनाएंगे, कुछ खाएंगे। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। ये देखो वादियों में कपड़े धोते हुए।